बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदाब प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह सबको अपने रहमत के साए में रखे, सबके जायज़ दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल तिरंगा रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने इडली का आटा लिया है, ये देखिए तीन जगह मैंने ले लिया है, तीन कटोरी में। और यहाँ पर ही मैंने गाजर लिया है, गाजर को मैंने पीस लिया है। गाजर को इसमें दो चम्मच शामिल कर लेंगे। गाजर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें गाजर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना की चटनी ली है, इसमें दो चम्मच शामिल कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी भी देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर देखें मैंने इडली का बर्तन लिया है और इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ऐसे शामिल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह का मैंने जाली वाला बर्तन लिया है, इडली के बर्तन के साथ मुझे मिला था। देखिए इस तरह से इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए पानी यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको इस तरह से इस पर रखेंगे। इसको ढक देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। एक तरफ यहाँ पर हमारी इडली पक रही है और चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेकिन घी शामिल किया है। आप यहाँ पे घी की जगह ऑयल भी शामिल कर लें। इसको मैंने फैला लिया है। देखें सेकंड रेसिपी, डोसा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसको इस तरह से फैला देंगे। डोसे को भी हमें लो फ्लेम पे पकाना है। इस तरह से डोसे को पलट लेंगे। देखिए बस ये पक चुका है, इसको निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह ऑरेंज वाला शामिल कर लेंगे इसमें। इसको भी फैला लेंगे। इसी तरह ग्रीन वाला भी बना लेंगे। ये देखें इडली कलर, इडली हमारी बनके तैयार है। ये देखें ये सेकंड रेसिपी भी हमारी बनकर तैयार है, इडली कलर रेसिपी। चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कीवी लिया है और एक बनाना लिया है, यानी कि केला और पपैया लिया है। तो इसको छील लेंगे हम कीवी को। देखिए इस तरह से छील लेंगे।
कीवी को देखिए छील लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस तरह से कीवी की कटिंग कर लेंगे। देखिए पपैया को भी मैंने छील लिया है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और केले को हम छील लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। केले की भी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिक लिया है, इसमें इस तरह से कीवी को डालेंगे। देखिए उसके बाद देखिए बनाना शामिल कर लेंगे। उसके बाद ये पपैया इसमें शामिल कर लेंगे, यानी कि पपीता। देखें ये वाली भी रेसिपी हमारी बनके तैयार है। आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना।